मरहबन बिकुम, कैफल हाल, हाय हाउ आर यू। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे अरबिक डेली यूजेस सेंटेंसेस। डेली यूजेस सेंटेंसेस में जो बोलने में आपको दिक्कत होती है, उस दिक्कत को ख़त्म करने के लिए आज का ये वीडियो है। तो इसको एंड तक देखिए, स्किप मत कीजिए और ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा लें ताकि आपको रोजाना आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं। Do you speak Arabic को कैसे बोलेंगे? हल ततकल्लमुल अरबिया, हल ततकल्लमुल अरबिया। आपको रिस्पॉन्ड कैसे करना? Yes, I speak. नाम अतकल्लम, नाम अतकल्लम। No, I don't. No, I don't. ला अना ला अतकल्लम। ओके, जैसे आप बोलोगे come here, तो कैसे बोलेंगे come here? त्याल, त्याल हुना, त्याल हुना। ओके, कम हेयर, ताल हुना। तो बोलते हैं ताल हुना। अब आपको बोलना है गो दियर, तो गो दियर हम कैसे बोलेंगे? इज़हब हुना क्या, इज़हब हुना क्या, इज़हब हुना का। ठीक, तो ये आपने बोला इज़हब हुना का, इज़हब हुना का। तो ये डेली यूजर सेंटेंसेस में आपने सबसे सीखा क्या कि कम हियर, ताल हुना। तो हुना का मतलब क्या हो गया? हियर। और दियर को क्या कहेंगे? हुना का, इज हैव हुना का, गो दियर। ओके, जैसे आपको कहना है हैव यू ईटन ब्रेकफास्ट या हैव यू हैड ब्रेकफास्ट, तो हैव यू ईटन ब्रेकफास्ट को हम कैसे कहेंगे? हल, हल लगा देना है सबसे। जब भी देखोगे कि हेल्पिंग वर्ब्स, ओके, हेल्पिंग वर्ब्स या वर्ब टू बी सबसे पहले आ रहा है, डू, डज, ओके, इज, एम, आर, इस सब, तो इसका ट्रांसलेशन हमें कैसे करना है? हल से करना है। ओके, तो लगा दिया हल। ओके, उसके बाद आ गया अकलता, हल अकलता अल फुतूरा, हल अकलता अल फुतूरा। हैव यू ईटन ब्रेकफास्ट, उसके बाद आपको कहना है तो यस, यस के लिए मैंने आपको पढ़ा दिया ये, और नो के लिए आपको क्या करना? ला। ठीक, तो यस के लिए आपको कहना नाम, नाम, और नो के लिए क्या करना? ला। ठीक, अब आपको पूछेगा, कोई पूछ सकता है व्हेन डू यू वेक अप, आप कब जागते हो, तो कैसे बोलेंगे? हल मता। ठीक, तो मता का मतलब क्या आ गया? व्हेन। अब देखिए हल से क्वेश्चन किया जाता है कब? जब कोई ये आता है डब्ल्यू एच के अलावा आता है, यानी हेल्पिंग वर्ब आता है, लेकिन जब कोई डब्ल्यू एच आ जाएगा इंग्लिश में तो उस डब्ल्यू एच ही का ट्रांसलेशन करेंगे, अलग से हल बिल्कुल भी नहीं लगाएंगे। तो मता क्या हो गया? मता तस तय केजो, मता तस तय के जो। ओके, मता तस तय केजो। तो आप बोलोगे, जैसे आप बोल रहे हो आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ओके, या बोल रहे हो मान लो, ठीक है, तो इन द मॉर्निंग का क्या है? फिर सबा। आई वेक अप का क्या है? अस तय के जो, यहाँ इंग्लिश में ऐसा आपको लिखना है, मता तस तय की दू, मता तस तय की दू। तो आप बोल रहे हो अस तय की जो अस्तय किजो फिस सबाही, अस्तय किजो फिस सबाही, फिस सबाही, अस्तय की दो फिस सबाही, फिस सबाही। तो गाइज आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बने रहे, क्योंकि इस तरह के डेली यूजेस वर्ड्स एंड सेंटेंसेस पे हम आप रोजाना वीडियो बनाएंगे आपके स्पोकन क्लासेस के लिए। बने रहिए, सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर दबा लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए। थैंक यू, शुक्रिया।